हाय एवरीवन, दिस इज सोना शर्मा, योर रीजनिंग मेंटर। आज हम करेंगे पजल, वो भी मेंस लेवल का। ये सेशन आने वाले सभी मेंस एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज योर पजल। पहले आप अपने एंड से ट्राई करेंगे, उसके बाद देखेंगे इसका अप्रोच। सो लेट अस स्टार्ट। Six persons sit around a triangular table such that three of them sit at the corners and the other three sit at the middle side of the table. छह व्यक्ति एक ट्रायंगुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं, तीन कोनों पर और तीन भुजाओं के मध्य पर बैठे हैं। Some of them face towards the center while some face outside the center. कुछ केंद्र की ओर और कुछ केंद्र से विपरीत देख रहे हैं। All of them like different brands of phones. सभी को अलग-अलग प्रकार के फोन पसंद हैं। Apple, Samsung, Nokia, Lenovo, Sony and Oppo. Okay? So, सबसे पहले बना लेते हैं एक ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के कॉर्नर पर हर एक व्यक्ति बैठेगा और हर एक साइड के मिड पर, ठीक है? Q sits second to the right of P, who likes either Oppo or Apple. P के राइट से सेकंड पर Q बैठा है। अब स्टूडेंट्स, मैं पहले आपको वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जब भी हमें स्क्वायर बेस्ड पजल मिलती है या फिर रेक्टेंगुलर बेस्ड पजल मिलती है, तो हम स्टार्टिंग से ही दो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। बट स्टूडेंट्स, उसमें हमें एक और इन्फॉर्मेशन गिवन होती है कि ये जो कॉर्नर्स पर बैठे हैं ना, ये सभी या तो इनसाइड द सेंटर देख रहे होते हैं या आउटसाइड द सेंटर, और ये जो मिडल साइड्स पे बैठे होते हैं, ये भी, इनके भी डायरेक्शंस हमें नोन होते हैं। बट यहाँ पे हमें कौन कहाँ देख रहा है ये नहीं पता है, इसलिए अगर मैं इसमें स्टार्टिंग देखूँ तो दो पॉसिबिलिटी से नहीं बल्कि चार पॉसिबिलिटी से होगी। देखिए कैसे। एक बार हम लेते हैं किसी भी साइड के मिड पे, तो अगर मैं एक बार बिठा लिया मैंने पी को साइड के मिड पे, एक और बनाऊंगी, हो सकता है ये पी किसी कॉर्नर पर बैठा हो, एक बार बिठा दिया इस पी को कॉर्नर पर। बट स्टूडेंट, यहाँ पे हमें डायरेक्शन नहीं पता, तो हो सकता है फर्स्ट वाले केस में ये पी इनसाइड द सेंटर देख रहा हो, बट ये भी तो हो सकता है कि ये आउटसाइड द सेंटर देख रहा हो, इसलिए इसका एक और कॉपी बन जाएगा और इस पी को बिठा के हम बोलेंगे एक बार कि एक बार ये देख रहा है आउटसाइड द सेंटर। सिमिलरली सेकंड वाले केस में, जो सेकंड वाला केस है, अगर यहाँ पे हमने ले लिया दैट पी इज फेसिंग इनसाइड द सेंटर, तो हमें इसका कॉपी बनाना होगा और फिर एक बार लेना होगा दैट पी इज फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। तो हो गई ना चार पॉसिबिलिटी। क्या स्टार्टिंग से चार पॉसिबिलिटी लेना एक सही डिसीजन होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हम इसे एक शॉर्टकट में नोट कर लेंगे और जैसे ही कोई ऐसी डेफिनेट इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे हमें लगेगा कि हाँ, दो पॉसिबिलिटी में ही काम हो जाएगा, हम वहां से अपना पजल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? So, Q sits second to the right of P who likes either Oppo or Apple. तो यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं कि P के राइट से सेकंड पे बैठा है Q, who likes either Oppo or Apple. P को या तो Oppo पसंद है या फिर Apple. S sits to the immediate right of Q. Q के immediate right पे S है, तो इसके immediate right पे बना दीजिए S. And second to the right of the one who likes Nokia. And use हुआ है, it means and के बाद जो भी बात हो रही है किसके बारे में हो रही है? First person के बारे में। कौन है? S. S के बारे में, मतलब कि S बैठा है second to the right of the one who likes Nokia. जिसको Nokia पसंद है उसके right से second पे कौन बैठा है? S बैठा है। ये भी हमने शॉर्टकट में लिख लिया। S is an immediate neighbor of the one who likes apple. S apple का immediate neighbor है, तो ये भी यहाँ पे ही लिख लेते हैं। S तो लिखा है कि S का कोई एक immediate neighbor होगा apple. P and S are immediate neighbors. P and S are immediate neighbors. It means ये एक दूसरे के पास बैठेंगे। शॉर्टकट बना लिया। The one who likes Nokia faces opposite direction as P. Nokia और P अलग अलग direction में देख रहे हैं, तो ये भी हम साइड में नोट कर लेते हैं। जिसको Nokia पसंद है वो व्यक्ति और
ये दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं, मतलब अगर एक इनसाइड द सेंटर देखेगा तो जो सेकेंड वाला है वो आउटसाइड द सेंटर फेस करेगा। तो इस पे एक साइन बना लेते हैं। नोकिया वाले पे बना दिया मैंने स्टार और पी पे बना दिया हैश कि ये दोनों हमेशा अपोजिट फेस करेंगे। क्यू डजंट लाइक एप्पल ब्रांड, क्यू को एप्पल नहीं पसंद, ये भी लिख देते हैं दैट क्यू डज नॉट लाइक एप्पल, नहीं पसंद। आर सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बोथ टी एंड यू, आर टी और यू के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, ये भी लिख लेते हैं। टी के इमीडिएट लेफ्ट में आर है और यू के भी इमीडिएट लेफ्ट में आर है। अब स्टूडेंट्स आपको इस वाली लाइन से क्या इंफॉर्मेशन पता चल रही है? आर टी के भी इमीडिएट लेफ्ट में है, यू के भी इमीडिएट लेफ्ट में है। इट मींस टी और यू एक दूसरे से विपरीत दिशा में देख रहे होंगे। इट मींस अगर टी इनसाइड द सेंटर फेस करेगा तो यू आउटसाइड द सेंटर फेस करेगा एंड वाइस वर्सा। ओके, टी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक सैमसंग, सैमसंग का इमीडिएट नेबर है टी, लिख लेते हैं। सैमसंग जिसको पसंद है उसका इमीडिएट नेबर टी है। आर डज नॉट लाइक सैमसंग एंड ओप्पो, तो ये आर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कि इसे एक तो ओप्पो नहीं पसंद और एक सैमसंग नहीं पसंद। इमीडिएट नेबर्स ऑफ टी फेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, सो टी के ये जो दो इमीडिएट नेबर होंगे ना एक दूसरे से विपरीत दिशा में देख रहे होंगे। तो एक काम करते हैं इन दोनों पे अलग अलग साइन बना लेते हैं। इस पे बना देती हूँ मैं कॉपीराइट और इस पे एट। ओके, द वन हु लाइक्स ओप्पो फेसेस आउटसाइड द सेंटर, ये भी लिख लेते हैं। ओप्पो जिसको पसंद है वो आउटसाइड देख रहा है। यू लाइक सोनी एंड फेसेस अपोजिट डायरेक्शन एज एस, यू को सोनी पसंद है एंड यू और एस एक दूसरे से विपरीत दिशा में देख रहे हैं। तो यू यहाँ पे लिखा है, एस यहाँ पे, और इन दोनों पे अलग अलग साइन बना लेते हैं। लेट्स सी, इस पे बना लिया मैंने एंड एंड इस पे बना लिया मैंने एक रेक्टेंगल। ओके, क्यू सिट्स एट द मिडल साइड ऑफ द टेबल, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। क्यू किसी एक भुजाओं के मध्य में बैठा है, किसी भी एक साइड के मिड पे बैठा है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सो सबसे पहले आप बनाते हैं ट्रायंगल, हमें पता है कि कॉर्नर्स पर बैठे हैं तीन पर्सन और मिडल पर बैठे हैं, और इन्होंने बता दिया है, एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन मिली है दैट क्यू इज एट द मिडल साइड ऑफ द टेबल। ठीक है, क्यू यहाँ पे बैठा है, बट इसकी भी दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। एक बार हम ले लेंगे कि क्यू इनसाइड द सेंटर फेस कर रहा है और एक और ट्रायंगल बनाएंगे, क्यू को बिठाएंगे और बोलेंगे कि ये एक बार आउटसाइड द सेंटर फेस कर रहा है। ओके, सो अब हमारे पास दो केस आ गए हैं, इसे नाम दे देते हैं वन एंड इसे केस टू। अब हमें क्यू के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है कि क्यू के इमीडिएट राइट पे एस बैठेगा, सो केस वन में क्यू का इमीडिएट राइट जाएगा इस साइड, सो एस विल बी हियर, एंड इस वाले में सेकेंड वाले केस में क्यू का इमीडिएट राइट जाएगा दिस साइड, सो एस आ जाएगा यहाँ पे। अब एस के बारे में हमें एक और इंफॉर्मेशन पता है दैट पी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, एस पी का भी नेबर है। तो इधर फर्स्ट में देखे तो S का एक नेबर तो Q है यहाँ पे, तो P कहाँ आ जाएगा इस साइड, S यहाँ है सेकेंड वाले में तो P आ जाएगा इस साइड। ओके, ये वाला इंफॉर्मेशन भी हमने यूज कर लिया, ये फर्स्ट वाला इंफॉर्मेशन भी हमने ये वाला यूज कर लिया। अब S के बारे में एक और बात पता है दैट S इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एप्पल एंड ही सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ नोकिया। ओके, स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे Q है, S है, P है। P के बारे में हमें ये पता है कि P के राइट से सेकेंड पे है Q, तो फर्स्ट वाले में अगर मैं देखूं तो जब P आउटसाइड द सेंटर देखेगा तभी इसका राइट इधर जाएगा और वन टू छोड़ के Q यहाँ पे आएगा। ओके, सेकेंड वाले केस में
जब ये पी इनसाइड द सेंटर फेस करेगा तभी ही इसका राइट इधर जाएगा और 1 2 सेकंड पे आके क्यू बैठ जाएगा। ओके, सो पी का डायरेक्शन हमें कंफर्म हो गया है। तो हमने ये वाला इंफॉर्मेशन भी यूज कर लिया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे ये भी दे रखा है कि पी जिस डायरेक्शन में देख रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में नोकिया जिसको पसंद है वो देख रहा है और नोकिया के राइट से सेकंड पे एस बैठा है। ठीक है, सो एस यहाँ है तो नोकिया हो सकता है या यहाँ हो या यहाँ हो, बट ये जो नोकिया है ये पी के अपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है, मतलब नोकिया देखेगा यहाँ पे, पी देख रहा है बाहर तो यहाँ पे नोकिया वाला पर्सन देखेगा इनसाइड द सेंटर, और नोकिया के राइट से सेकंड पे आना चाहिए एस, इट मींस नोकिया बैठेगा यहाँ तभी ये अंदर देखेगा और इसका राइट जाएगा इधर 1 2 पे ऐसा जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले में देखिए पी इनसाइड द सेंटर देख रहा है, इट मींस नोकिया देखेगा आउटसाइड द सेंटर, सो नोकिया आ जाएगा यहाँ और ये देखेगा आउटसाइड द सेंटर। अब देखिए इसका राइट से 1 2 सेकंड पे आ जाएगा एस, सो ये वाला इंफॉर्मेशन भी हमने यूज कर लिया। अब एस के बारे में एक और इंफॉर्मेशन पता है दैट एस इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु लाइक्स एप्पल। सो फर्स्ट केस में एस यहाँ है, हो सकता है एप्पल यहाँ हो क्यू के पास या फिर यहाँ पी के पास, बट क्यू के बारे में हमें ये पता है कि क्यू को एप्पल नहीं पसंद, इट मींस एप्पल पक्का पी के पास आएगा। सेकंड वाले में देखिए एस के इमीडिएट नेबर पी भी है और क्यू भी है, बट क्यू को एप्पल नहीं पसंद सो एप्पल पी के पास आ जाएगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि टी के इमीडिएट लेफ्ट में आर बैठा है और यू के इमीडिएट लेफ्ट में भी आर बैठा है। मैंने अभी आपको बताया था, इससे हमें एक और चीज पता चल रही है कि टी और यू अपोजिट डायरेक्शंस में फेस कर रहे होंगे। ठीक है, बट एक और इंफॉर्मेशन हम इससे निकाल सकते हैं, क्या दैट ये जो आर है ये टी का भी नेबर होगा और यू का भी नेबर होगा। ठीक है, सो इट मींस ये तीनों कुछ एक साथ होंगे, तो तीन वैकेंट स्पेसेस देखते हैं। फर्स्ट वाले में अगर देखें तो पी एस क्यू यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी, इट मींस इन तीनों के लिए बस ये तीन प्लेसेस ही वैकेंट है। ठीक है, तो आर तो पक्की बात है बीच में ही बैठेगा, हो सकता है टी या यू में से कोई यहाँ पे हो और हो सकता है टी या यू में से कोई यहाँ पे हो। सेकेंड वाले में देखिए सिमिलरली यहाँ पे ये तीन प्लेसेस वैकेंट है, सो आर तो पक्का मिड में ही आएगा और टी और यू में से या तो यहाँ पे आएंगे या फिर यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अब एक बात हमें और पता है टी के बारे में कि ये जो टी है ना ये इमेजिएट नेबर है उस पर्सन का जिसे सैमसन पसंद है। तो अगर मैं स्टूडेंट्स टी यहाँ रखती हूँ तो इसका इमेजिएट नेबर ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए। ठीक है, आर के बारे में हमें पता है कि आर को ना ही ओपो पसंद है और ना ही सैमसंग, देखिए यहाँ पे लिखा था हमने, यहाँ पे भी आर को ओपो और सैमसंग नहीं पसंद। तो अगर मैं टी को यहाँ बिठाती हूँ तो सैमसंग यहाँ तो पक्का नहीं आने वाला क्योंकि आर को नहीं पसंद, और अगर मैं इस साइड देखूँ तो पी को ऑलरेडी एप्पल पसंद है, इट मीन सैमसंग की स्पेस प्लेस हो ही नहीं पाएगी, इट मींस टी पक्का यहाँ पे नहीं आएगा। तो टी कहाँ आएगा, यहाँ पे बची इसकी प्लेस, सो यू आएगा यहाँ और टी आएगा यहाँ। सेकंड वाले केस में भी देखिए अगर मैं टी को यहाँ प्लेस करती हूँ तो इसके दो नेबर है, एक पी और आर, आर को सैमसंग कभी नहीं आएगा पसंद और पी को ऑलरेडी एप्पल पसंद है, इट मींस यहाँ पे टी नहीं आएगा, तो टी को हम बिठा देंगे यहाँ और यू आ जाएगा यहाँ। अब टी का एक इमीडिएट नेबर सैमसंग, तो इस साइड ये आर के पास तो नहीं रख सकते सैमसंग, सो इस साइड रख देंगे सैमसंग, और फर्स्ट वाले में भी इस साइड रख देंगे सैमसंग क्योंकि आर को नहीं दे सकते। ओके,
ये वाला इंफॉर्मेशन भी हमने यूज कर लिया। अब टी के बारे में एक और बात पता है कि टी के दोनों ही जो इमीडिएट नेबर है वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में देख रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट वाले केस में देखिए टी यहाँ है, सो इसका एक नेबर देख रहा है इनसाइड द सेंटर, तो ये जो दूसरा नेबर आर है वो देखेगा आउटसाइड द सेंटर। सेकेंड केस में देखिए टी का ये वाला नेबर देख रहा है आउटसाइड द सेंटर, इट मीन्स ये जो इसका दूसरा नेबर होगा आर वो देखेगा इनसाइड द सेंटर। ओके नाउ स्टूडेंट्स, हमें U का पोजीशन हो गया कंफर्म, और U के बारे में एक और बात पता है दैट U को सोनी पसंद है। सो U के इधर लिख दीजिए सोनी, और सेकेंड केस में भी U के इधर सोनी आ जाएगा। ओके नाउ U को पसंद है सोनी, और सभी के पता चल गए हैं हमें कि किसको कौन सा ब्रांड पसंद है। बचा ये R और ये S। ओके अब स्टूडेंट यहाँ पे एक बहुत डेफिनेट इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये जो जिसको ओपो पसंद है ना वो आउटसाइड फेस कर रहा है। सो फर्स्ट वाले केस में अगर मैं देखूँ तो R को तो ओपो पे ऑलरेडी बता रखा है कि कभी भी पसंद नहीं है। बचा क्या, यहाँ पे सब ऑलरेडी बैठ चुके हैं एप्पल सोनी नोकिया सैमसंग, तो बचा क्या, बस S, इट मीन्स S को पसंद होगा ओपो, और ओपो वाला आउटसाइड देख रहा है मतलब एस देखेगा बाहर की तरफ। सिमिलरली सेकेंड वाले में यहाँ पे इन सभी को पसंद है अलग अलग फोन, बचा आर और एस। आर को ओपो पसंद नहीं हो सकता, उन्होंने बता रखा है, इट मीन्स एस को ओपो पसंद है और ओपो वाला देख रहा है आउटसाइड द सेंटर, तो बाहर फेस करेगा। ठीक है अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे ये भी बताया था कि ये जो एस है और ये जो यू है ये दोनों देखिए इस पे बनाया था मैंने एंड और इस पे एक रेक्टेंगल, इट मीन्स ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में फेस करेंगे। इट मीन्स अगर एस देख रहा है यहाँ पे बाहर की तरफ तो यू देखेगा केंद्र की तरफ, और सेकेंड वाले केस में एस देख रहा है आउटसाइड द सेंटर तो यू देखेगा इनसाइड द सेंटर। ओके सो ये वाला इंफॉर्मेशन भी यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया। सो नाउ वी हैव यूज्ड ऑल द इंफॉर्मेशन, सभी इंफॉर्मेशन को हमने यूज कर लिया है। ठीक है बट हमारे पास तो दो पॉसिबिलिटीज आई हैं और एक भी अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है, तो अब हम ये वाला पॉइंट देखेंगे। ये वाला मैंने आपको बताया था ना, ये दो चीजें बता रहा है, एक तो ये बता रहा था कि आर कहीं बीच में बैठेगा टी और यू के, और दूसरी चीज क्या बता रहा था कि टी के इमीजिएट लेफ्ट में आर है और यू के इमीजिएट लेफ्ट में आर है, इट मीन्स टी और यू अलग अलग डायरेक्शन में फेस करेंगे। देखिए फर्स्ट वाले में टी कहाँ है आपका, टी यहाँ है, टी का लेफ्ट कहाँ जाएगा, इधर आर आ रहा है, बिल्कुल सही। यू कहाँ है आपका, ये है, यू का इमीडिएट लेफ्ट कहाँ होगा, इस साइड, बट यहाँ पे तो पी आ रहा है जबकि यू के इमीडिएट लेफ्ट में क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए ना, इट मीन्स ये वाला केस हो जाएगा कैंसल बिकॉज ये इस वाली इंफॉर्मेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। ओके सेकेंड वाले केस में देखिए यू का, ये यू है और यू का इमीडिएट लेफ्ट आएगा इधर, यहाँ पे आर है, और ये टी है और टी का इमीडिएट लेफ्ट आएगा इस साइड और यहाँ पे भी आर है, ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स ये वाला ही हमारा राइट सॉल्यूशन है। ओके चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लाइक्स लेनोवो, लेनोवो आर को ही पसंद होगा ना, बस लेनोवो ही बचा है और आर के पास ही बचा है एक, तो आर को पसंद है, ऑप्शन फर्स्ट इज योर आंसर। हाउ मेनी पर्संस फेस टुवर्ड्स द सेंटर, चलिए देखते हैं केंद्र की ओर कितने लोग देख रहे हैं, एक दो तीन थ्री पर्संस, सो आवर आंसर इज ऑप्शन टू थ्री। How many persons sit between you and the one who likes Lenovo when counted from the right of you? U के right से अगर count किया जाए तो U और Lenovo के बीच कितने व्यक्ति हैं? So U कहाँ है? U है हमारा ये और Lenovo कहाँ है? ये U का right कहाँ होगा student? U का right जाएगा इस side. So 1, 2, 3, 4, 4 persons are there. Option 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence form a group. Find the one which does not belong to that group. Odd one out निकालना है जो सबसे अलग है.
टी क्यू क्यू एस एस पी, देखते हैं क्या पैटर्न चल रहा है। क्यू टी क्यू क्यू एस एस पी, आगे पी यू आर यू, पी यू आर यू, ये सभी एक दूसरे के इमीडिएट नेबर है, तो आप दूसरी चीज लगाते हैं इसमें। हो सकता है पहले वाले के या तो राइट में बैठा हो या तो लेफ्ट में। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें, टी क्यू और क्यू एस, सो टी क्यू मतलब टी के इमीडिएट राइट में क्यू, और क्यू एस मतलब कि क्यू के इमीडिएट राइट में एस, ठीक है। थर्ड था हमारा एस पी पी यू, एस के इमीडिएट राइट में पी, और पी यू पी के इमीडिएट राइट में तो एस है, यू नहीं है, इट मीन्स पी यू है अलग, सो पी यू हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन फोर्थ। लास्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स लेनोवो, लेनोवो के लेफ्ट से सेकंड पे कौन बैठा है। सो लेनोवो है ये, इसका लेफ्ट किधर जाएगा, इस साइड, वन टू क्यू, सो आवर आंसर इज क्यू, ऑप्शन फाइव इज योर आंसर। ओके, सो इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज कॉमेंट इट इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड प्रैक्टिस कीजिए जितना कर सकते हैं। थैंक यू, एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।